हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली। तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको लाइका के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हो, लाइका का हेड फेस काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो इसकी ग्रोथ जो है वो पहले डाउन जा रही थी, अब कुछ टाइम से ही इसकी थोड़ा डाइटिंग बहुत अच्छे से इसको ध्यान रखा जा रहा है। डाइटिंग का ध्यान तो पहले भी रख रहे थे, लेकिन एज इतनी नहीं थी, एज के अकॉर्डिंग इसका हेड फेस थोड़ा डाउन था मुझे ऐसा लगा। तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया कि यार इतनी कलाई पलाई कर रहे फिर भी हेड फेस डाउन जा रहा है। लेकिन एज के अकॉर्डिंग होता है वो, अब एज थोड़ी थोड़ी इसकी धीरे धीरे बढ़ रही है तो फिर हेड फेस भी ग्रो कर रहा है। तो रिज़ल्ट आपके सामने है, देख सकते हो आप। तो यूट्यूब फैमिली, मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप कोई डॉग या फिर पप्पी लेके आ रहे हो तो डाइटिंग का खास ध्यान रखे। और अगर आप पप्पी लेके आए हो घर में तो 1 ईयर तक तो उसकी डाइट इतनी अच्छे से रखो ना कि लिमिट से ज़्यादा उसके केयर करो, कैल्शियम वगैरह हर चीज़ को टाइम टू टाइम दो, तभी उसकी ग्रोथ अच्छे से होगी, वरना पप्पी रखने का कुछ फ़ायदा नहीं होगा। और जो 1 ईयर तक जो पप्पी का खर्चा होता है खाने पिलाने का, वो ज़्यादा होता नहीं, बस वीक में 4 से 5 ग्रेवी के पैकेट, चिकन ग्रेवी के नाम से आता है, और पेडिग्री वगैरह या फिर रॉयल कैन, वो तो आपके ऊपर बात है कि आप कौन सी कंपनी का परचेज़ करोगे। बस जितना भी हो सके पप्पी की डाइट का ध्यान रखना है। और अगर आप चिकन खिलाते हो तो अच्छी बात है, नहीं खिलाते तो भी अच्छी बात है। तो मैंने तो इसका चिकन रेगुलर रखा है, 2 मंथ की थी तभी स्टार्ट कर दिया था, और अभी ये 9 मंथ की हो गई है, अभी भी चिकन इसका चल रहा है। लेकिन अब सावन की वजह से थोड़ा नहीं दे रहा हूँ मैं इसको चिकन वगैरह, कुछ भी चिकन हो रहा है बिल्कुल बंद है। जब सावन ख़त्म हो जाएगा फिर उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको डाइट का खास ध्यान रखना है और कैल्शियम का। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली अपडेट्स आपके पास आती रहे।